दोस्तों, सबमरीन आज के डेट में सबसे खतरनाक वेपन में से एक होती है। ये ना जाने कब किधर से निकलकर दुश्मन पर एक मैसिव परमाणु स्ट्राइक तक करने में सक्षम होती है। कुछ तो ऐसे भी सबमरीन होती हैं जो सालों भर दुश्मन के घर के नजदीक समुद्र की गहराई में छुपकर खुफिया जानकारी इकट्ठा करती रहती है, और जरूरत पड़ी तो अचानक से हमला भी कर सकती हैं। ऐसे ही सबमरीन भारत के पास भी है, जिसे हम आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट के नाम से जानते हैं। आज हम इस वीडियो में आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट की असली ताकत के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि अगर चाइना इंडियन ओशन में भारत पर हमला करता है तो आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट किस भूमिका में होंगे। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ये बस एक सेकंड का काम है और इससे हमें बहुत बड़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि सबमरीन दो तरह के होते हैं, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन यानी SSN और दूसरी न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन यानी SSBN। न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन न्यूक्लियर वेपन कैरी करती हैं, यह खतरा महसूस होने पर परमाणु हमला करने के लिए होती हैं और इनका रोजमर्रा का ऑपरेशन रोल नहीं होता। हमारी आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट सबमरीन भी SSBN है, जबकि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन में न्यूक्लियर वेपन नहीं होता, यह किसी भी कॉन्वेंशनल सबमरीन की तरह ही होती है, लेकिन इसको ऊर्जा परमाणु ईंधन से मिलती रहती है। न्यूक्लियर सबमरीन में एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है, जिसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल करते हुए बिजली पैदा की जाती है। न्यूक्लियर सबमरीन नॉर्मल सबमरीन की तुलना में कहीं ज़्यादा ताकतवर होती है। ये लंबे समय तक गहरे पानी के नीचे छिपी रह सकती है, और इनमें इतनी ताकत होती है कि पानी के प्रेशर के बावजूद भी अंदर ही 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। अगर हम अपने आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट की बात करें तो यह 6000 टन वजनी आईएनएस अरिहंत एक एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल है। इसको विशाखापट्टनम में तैयार किया गया है। इसका युद्ध घोष है वेंकसर ऑफ एनिमीज यानी दुश्मन को मिटाने वाला। 26 जुलाई 2009 को इसको लॉन्च किया गया था और अगस्त 2016 में यह भारतीय नेवी को सौंप दी गई। 364 फीट लंबी और करीब 49 फीट चौड़ी यह सबमरीन समुद्र की सतह पर 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, जबकि समुद्र के नीचे यह करीब 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। यह सबमरीन मैक्सिमम 350 मीटर की गहराई तक जा सकती है। इसमें एक बार में करीब 100 नेवी एम्प्लॉयज मौजूद रह सकते हैं, जिसमें बड़े ऑफिसर भी शामिल हैं। इसके अंदर लगा सोनार DRDO द्वारा विकसित किया गया है और इसमें 6 टॉरपीडो ट्यूब दी गई है। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल और ब्रह्मोस के लिए इसमें अलग से DRDO द्वारा विकसित वर्टिकल लॉन्च पैड भी लगाया गया है। वहीं आईएनएस अरिघाट भी आईएनएस अरिहंत फैमिली का न्यूक्लियर सबमरीन है, लेकिन यह आईएनएस अरिहंत से थोड़ी अलग और एडवांस है। आईएनएस अरिघाट का वजन 7000 टन है। इस पनडुब्बी में 7 ब्लेड वाला प्रोपेलर लगा हुआ है, जिसे प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर की मदद से चलाया जाता है। समुद्र की सतह पर इसकी अधिकतम रफ्तार 12 से 15 नॉटिकल मील यानी 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं समुद्र की गहराइयों में इसकी रफ्तार 24 नॉट्स यानी 44 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। इस पनडुब्बी में आईएनएस अरिहंत की तरह 4 टॉरपीडो लॉन्च ट्यूब और 8 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च ट्यूब लगाए गए हैं, यानी यह पनडुब्बी दुश्मन पर एक साथ 8 परमाणु मिसाइल से हमला कर सकती है। इन दोनों ही पनडुब्बियों के लिए खास तरह की मिसाइल बनाई गई हैं और कुछ अभी बनाई भी जा रही हैं। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट दोनों ही अपने साथ 12K-15 सागरिका मिसाइलें ले जा सकती हैं, जिनकी रेंज 750 किलोमीटर तक है। इस पर K4 और K6 मिसाइलें भी तैनात की जा सकती हैं, जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर और 6000 किलोमीटर तक है। फिलहाल K4 और K6 मिसाइलें डेवलप की जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर चाइना इंडियन ओशन से भारत पर हमला करता है तो आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट किस भूमिका में होंगे। तो सबसे पहली और बड़ी बात तो यह है कि इन दोनों सबमरीन को मार गिराना चीनी नौसेना की बस की बात नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों ही सबमरीन कभी भी अकेले नहीं होती। ये दोनों ही सबमरीन आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के साथ चलती हैं। इतना ही नहीं, इनके काफिले में कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर और 3 फ्रिगेट्स भी होते हैं। हाल ही में भारत ने अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर में BMD शील्ड डिफेंस सिस्टम को भी लगा दिया है। साथ ही कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर में BRAC-8, ब्रह्मोस और वरुणास्त्र जैसे टॉरपीडो से भी लैस किया गया है। दोस्तों, ये चीज़ सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पता है कि ब्रह्मोस की काट किसी भी देश के पास नहीं है। इसलिए चीन भी भारत के ब्रह्मोस से सबसे ज़्यादा डरता है, क्योंकि एक ब्रह्मोस मिसाइल चीन के बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र में डुबाने की ताकत रखती है। इतना ही नहीं, भारत हर दिन हर रात अमेरिका से लिए गए सबमरीन किलर
P-8I पोसाइडन से पूरे हिंद महासागर की जांच करता रहता है ताकि दुश्मनों के सबमरीन देश की सीमा के अंदर घुस ना पाए। अब रही बात चीन के हथियारों और सबमरीन की, तो यह तो पूरी दुनिया को पता है कि वो किस तरह के हथियार बनाता है। जब उसने पांचवी पीढ़ी का PAD J20 विमान बनाया था तब वो पूरी दुनिया को बोलता था कि मेरा J20 एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। लेकिन असलियत में हुआ क्या, उसे एक और पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट पर काम शुरू करना पड़ा क्योंकि J20 जो है वो कारगर साबित नहीं हुआ। दोस्तों, भारत की ये दोनों पनडुब्बियाँ INS अरिहंत और INS हरिघाट 6-6 महीने तक समुद्र की 300 मीटर की गहराई में छिपी रह सकती हैं। ऐसे तो छिपे रहने को ये सालों भर रहती हैं, लेकिन ह्यूमन एरर के कारण जैसे कि रसद और राशन के लिए इसे बाहर आना पड़ता है। हमने पहले ही अपनी नॉर्मल पनडुब्बियों से पाकिस्तान के PNS गाजी को विशाखापट्टनम में डुबा दिया। अब चाहे वो चीन से न्यूक्लियर सबमरीन ही क्यों ना हासिल कर ले, भारत के INS अरिहंत और INS हरिघाट चीनी और पाकिस्तानी नौसेना दोनों को संभालने का दमखम रखती है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि चीनी नौसेना हमारा हिंद महासागर में तो क्या अपने दक्षिण चीन सागर में भी रहकर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका भारत के इन दोनों न्यूक्लियर सबमरीन पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।